एक्चुअली हुआ क्या था कि फ्राइडे के फ्राइडे प्रेयर्स के बाद पाछेबाग ब्रिज है यहाँ पे, बड़ा ब्रिज, उस पर प्रोटेस्ट हुआ था फलस्तीन के बारे में। तो उसमें मैंने वो ग्रेफिटी आर्ट बनाया था आयरन ब्रिज पे, तो उसी पे ये पंगा हो गया था। मतलब किसी अननोन पर्सन ने पुलिस को कॉल किया था, तो पुलिस यहाँ पे आ गई, तो उसमें मुझे अरेस्ट किया गया। तो अरेस्ट करने के दौरान उन्होंने मुझे वो रब करने के लिए बोला, वो उसको इरेज करने के लिए बोला। फिर मैंने उनके सामने वो सारा इरेज किया जो मैंने वहाँ पे ड्रॉ किया था, पेंट किया था। तो फिर उसके बाद मुझे वो पुलिस स्टेशन ले गए। फिर मैं कस्टडी में वहाँ 3 दिन रहा, लेकिन उन 3 दिनों के दौरान मुझे ये पता नहीं था कि मतलब इस पर इतनी कार्रवाई हो गई है, मतलब सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है ये। ग्रेफिटी तो मैंने मतलब फलस्तीन के बारे में की, वहाँ पे जो हो रहा है फलस्तीनी के साथ, मतलब जो मजालिम वहाँ डाले जा रहे हैं, तो मतलब उसके फेवर में, मतलब अपनी हमदर्दी जताने के लिए। मतलब इसके अलावा मुझे नहीं लगता था कि कोई रास्ता था कि मतलब अब जब यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इन चीज़ों पर पाबंदी है, मतलब इवन मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टोन पेल्टिंग, पीसफुल प्रोटेस्ट्स, तो मुझे लगता है उन पे भी अब पाबंदी लगाई गई है। तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए मतलब अच्छा मौका है कि मतलब एज एन आर्टिस्ट के मैं ग्रेफिटी के जरिए मतलब अपनी फीलिंग्स शेयर करूँ। तो मैंने ये सोचा था कि ये इंडिया के रिलेटेड तो है ही नहीं, मतलब एंटी मतलब कंट्रोवर्शियल चीज़ें इसमें है ही नहीं, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में कोई है ही नहीं, तो शायद कि मतलब इस पर कोई पंगा नहीं होगा, मतलब ना यहाँ पुलिस नहीं आएगी। कुछ यादें है जो मैं मतलब अब अपने आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, मतलब उन फीलिंग्स को अपनी पेंटिंग्स में लाना चाहता हूँ। इन कम्पेयर टू जो मैंने मतलब जो मैं करता आया हूँ, मैंने इसको एक सब्जेक्ट बनाया अपने लिए। ये आर्टिस्ट की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन चीज़ों को एक्सपोज करें थ्रू द आर्ट।